ब्रशेस को कैसे क्लीन करना है वो देखने वाले हैं. ओके सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी ब्रशेस कैसे क्लीन करते हैं. ब्रश क्लीन करने के लिए एक अलग से लिक्विड भी आता है, दैट इज कॉल्ड ब्रश क्लीनिंग लिक्विड. ओके ब्रश क्लेंजर भी कहते हैं उसको. ओके और ये जो है अगर आपने इमरजेंसी में, ठीक है, आप ब्रश क्लेंजर का यूज कर सकते हो कि आप क्लाइंट करने के लिए गए हो और आपके पास में दो चार कंटिन्यूस क्लाइंट है और आपको क्लीन करने के लिए टाइम नहीं मिला, एट दैट टाइम आप उसको यूज कर सकते हो. लेकिन नॉर्मली अगर आप उसको यूज करोगे हमेशा ब्रश क्लीनर को तो क्या होगा, बहुत महंगा पड़ जाता है वो, इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव. ओके सो अगर आपके पास में टाइम है, उसके बाद कोई और क्लाइंट नहीं है, तो दिस इज वॉट यू हैव टू डू. ओके हमारे पास में यहाँ पे ब्रशेस है, हम नॉर्मल पानी से एंड हमारे पास में हैंड वॉश या फिर जेंटल शैम्पू जो है हम उसको यूज कर सकते हैं. ओके सो ये जेंटल हैंड वॉश है, हमने उसको यूज किया है आज हम लोग वो यूज करने वाले हैं. या तो आपके पास में कोई जेंटल शैम्पू है वो भी आप यूज कर सकते हो. पानी लिया है दो बाउल में, हमारे पास में ये सारे ब्रशेस हैं. तो सबसे पहले मैंने लिया है बफर ब्रश. ओके पहले गीला करेंगे. एक चीज आपको याद रखनी है कि पानी जो है आपका बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, आपके ब्रश पे जरा भी हीट नहीं आनी चाहिए, चाहे वो आप पानी की वजह से हो या कभी मैंने देखा है कि आप लोग यूज करते हो ड्रायर. ओके सो ड्रायर भी यूज नहीं करना कभी भी आपके ब्रशेस पे. इसका रीजन है ये फेरल जो है इसके अंदर जो ब्रशेस आप ये जो है सॉरी इसका रीजन ये है कि ये जो फेरल है इसमें जो आपके ब्रशेस अंदर जा रहे हैं ये एक ग्लू से चिपके हुए होते हैं. ओके ये हीट से पतला हो जाता है. ओके डाइल्यूट हो जाता है, पतला हो जाता है हीट से. तो क्या होगा, हीट जैसे ही आपके ब्रशेस को लगेगी तो ये यहां से लूज होना शुरू कर देंगे. ओके यहां अंदर से लूज हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि जो हीट है वो क्या करेगी, अंदर जो ग्लू है या एडहेसिव है उसको एकदम पतला कर देगी और आपके जो ब्रिसल्स हैं वो लूज हो जाएंगे और वो ना निकलना शुरू कर देंगे. ओके सो आपके ब्रश कितने भी कीमती हो, कितने भी अच्छे कंपनी के हो, हीट अगर उसको लग गई तो वो खराब होने वाले हैं. सी दिस, हल्का सा क्लींजर लिया, हैंड वॉश लिया. ओके या बेबी शैम्पू आप ले सकते हो, जेंटल शैम्पू ले सकते हो एंड सी हाउ आई एम गोइंग टू डू. ओके पानी होना चाहिए इसमें एंड देन सी दिस. पहले मैंने ऊपर से ऐसे स्टार्ट किया. ओके ठीक है एंड देन साइड से भी मैं हर तरफ से गोल गोल घुमा के एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो है डायरेक्शन ब्रश का हमेशा ऐसे नीचे होगा. ओके ब्रिसल्स आपके नीचे हो गए, उसको ऐसे मत पकड़ना कभी भी. ओके क्या होता है ये जो पानी है सारा अंदर चला जाएगा और फिर से आपके जो ब्रिसल्स हैं वो लूज हो जाएंगे. कभी भी गीले ब्रशेस को आप इस डायरेक्शन ऐसे नहीं पकड़ोगे. ओके इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस, ताकि जो पानी है वो ग्रेविटी से नीचे ही आए. ओके ताकि अच्छे से पूरा जो सोप है वो निकल जाए. अभी इसका पूरा साबुन जो है वो निकल गया है, तो नैपकिन लेना है और उसको एक तरफ से थोड़ा ज्यादा मोड़ना है. ओके सी मैंने यहां पे कम मोड़ा है, यहाँ पे ज्यादा मोड़ा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी हाइट मिली है मुझे और मैं रखूंगी तो उसको ऐसे रखूंगी. ओके सी दिस, तो क्या होगा पानी सारा ऐसे नीचे आएगा. ओके पानी ऊपर नहीं जाएगा. ओके ये थोड़ा सा ऊंचा और मेरा शेप भी है वो बरकरार रहेगा. नाजुक है, स्किन नाजुक है, वो लोग ये टूल यूज कर सकते हैं. आई प्रिफर, मेरे हाथ से आराम से हो जाता है. सो दीज आर डन, पानी निकाल रही हूं एंड उसी शेप में, जिस शेप में ब्रश है उसी शेप में उसको लेकर आके मैं सुखाने के लिए रख रही हूं. ओके जहां पे ब्रिसल्स नीचे हैं, अगेन ब्रिसल्स को कैसे रखा है, क्लोज करके रखा है, जो जिस शेप में है उसी शेप में करके रखा है. सी दिस, ओके एंड
डायरेक्शन कैसा है, ब्रिसल्स नीचे और हैंडल जो है वो ऊपर, थोड़ा सा ऊपर. ओके,